आज ईद के इस पावन पर्व पर सभी देशवासियों को मैं बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो ये आज जिन दरगाह के अंदर पहुंचे हैं, यहां पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, और आज जो है ईद के इस पावन पर्व पर सभी जो है मुस्लिम कम्युनिटी के भाइयों ने और सभी प्यार प्रेम से ईद की जो है नमाज पढ़ी है, और सभी साथी आज जो प्यार प्रेम से एक दूसरे से गला मिला करके मतलब आपस में एक दूसरे के प्यार बांट रहे हैं। मैं सभी देशवासियों से पुनः जो है इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला जो समय है, मैं सभी देश के निवासियों के ऊपर मतलब आज मेरे बख्शेगा। क्या मैसेज है जनता के लिए? आज जो ये पावन पर्व है, इसके उपलक्ष्य में मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, ये जो त्यौहार है ये प्यार प्रेम का त्यौहार है, और इसी प्रकार से हर्षोल्लास के साथ में हर वर्ष ये जो पावन पर्व को मनाया जाए, और सभी आपस में सभी वैर भाव को और आपसी मतभेद को बुला करके एक मंच पे आए। सब साथियों ने यहाँ के अपने इस पर्व को बहुत अच्छी तरह खुशी मनाया है, और जो लोग यहाँ पहुँचे हैं और जो प्रशासन हमारा खूब साथ दिया है, ताकि शांतिपूर्ण माहौल बना रहे, और इसके सबके यहाँ पहुँचने पर हम उनका यहाँ पर हार्दिक इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और सबके लिए दुआ करते हैं कि हमारे पूरे मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया में शांति और भाईचारा आपस में बना रहे। मेरा नाम डॉक्टर इस्लाम, हरियाणा मुस्लिम कल्याण समिति के डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट, सामाजिक सद्भावना से हूँ। हमारा नारा है, हमारा स्लोगन है, सद्भाव की सदे रंगोली, सब मिलकर मनाएं ईद और होली। ईद का त्यौहार हम मुस्लिम भाइयों के साथ मनाते हैं, और होली का त्यौहार हम हर साल मस्जिद में मनाते हैं, ताकि भाईचारा जुड़े और कौमी एकता बरकरार रहे। कौमी एकता से ही देश का विकास संभव है। आपका एक और कार्यक्रम चला पिछले दिनों, मेरे घर भी आकर देखो। हाँ बिल्कुल, हमने करीबन वो 80 से 81 घरों में प्रोग्राम किया है, मेरे घर आके तो देखो। उसमें ये था हमारा स्लोगन, नफरत की दीवारों को गिराकर मेरे घर आके तो देखो, जिंदगियों को जोड़ने की कोशिश। उस कोशिश में काफ़ी जगह हम गए हैं, और वो हमारी घरों में आए, हम उनके घरों में गए हैं। यहाँ ईद पे होली पे मिलते हैं तो हम हर प्रोग्राम मिलते हैं, लेकिन घरों में नहीं जाते। घरों के प्रति हमारे दिल और दिमाग में नफरत फैलाई जाती है, वो लोग उल्टे तौर पर रोटी बनाते हैं, उनकी चार चार पत्नियाँ, 25-25 बच्चे होते हैं, इस तरह की जो नफरत की झूठी अफवाहें फैलाई जाती है, वो घर में जाने से पता चलता है इनके कितने बच्चे हैं, कितनी पत्नियां हैं। और हालात ये है कि कन्या भ्रूणता के कारण लड़कियों की संख्या कम होगी, एक एक पत्नी भी बांटे नहीं आती। हम ये कहते हैं कि कन्या भ्रूणता जैसे इस्लाम धर्म में नहीं होती है, इसी तरह से दूसरे जो धर्म है वो भी इस बात से शिक्षा लें, हम कन्या भ्रूणता ना करवाएं और सबकी शादी हो सके, क्योंकि इस्लाम धर्म में कोई कन्या भ्रूणता नहीं है, और इस्लामिक कंट्री में 90 लाख लोग इंडियन काम करते हैं, उनसे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, उनके खिलाफ कोई नफरत नहीं है। हम ये चाहते हैं ताकि यहाँ भी कोई नफरत ना हो, जैसे इंडोनेशिया बहुत बड़ा देश है, मुस्लिम देश सबसे बड़ा, उसमें एक पाली टापू है, उसमें हिंदू रहते हैं, और उस रूप से किस तरह की कोई बात नहीं, उस तरह से हम चाहते हैं सद्भाव से रंगोली सब मिलकर मनाए ईद और होली। धन्यवाद।